साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना इलाके के हुडको प्लेस में एक पति पत्नी के खुदकुशी की खबर से हर कोई सन्न रह गया है। हर ओर सनसनी मची हुई है। बताया जा रहा है कि पहले पति ने खुदकुशी की और बाद में उसकी मौत के सदमे में पत्नी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। जानकारी ये मिल रही है कि मृतकों की पहचान अजय पाल जो कि 37 साल के हैं और मोनिका जो कि 32 साल के रूप में हुई है। अजय पाल एयरफोर्स में अधिकारी रह चुके हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह मोनिका ने जब पति को बेहोश हालत में और उसके मुंह से झाग निकलते देखा तो वो घबरा गई। वो पति अजय पाल को लेकर अस्पताल पहुंची जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वो अस्पताल से घर आई और उसने खुद भी जहर पी लिया। पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो उसने दरवाजा तोड़कर मोनिका का शव बाहर निकाला। अब तक पुलिस ने दोनों खुदकुशियों के कारण का खुलासा नहीं किया है। क्या वजह रही है इसके पीछे, क्या कोई परेशानी थी, क्या कोई यहाँ पर स्ट्रेस था, ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस भी इस पूरे मामले पर अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में कई ऐसे खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर या सुनकर हर कोई सन्न रह गया है।